वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हम लोग बात किए थे लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं जब एक फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे आई बटन पे क्लिक करके। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ कैसे करके हम लोग अपना कोड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं व्हाइल डूइंग ए थ्रेडिंग। तो सबसे पहले उससे शुरू करने से पहले लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ शुरू करने से पहले इन थ्रेड क्लास पहले हम लोग ये सीखते हैं कि नॉर्मल थ्रेड क्लास कैसे लिखते हैं। तो थ्रेड क्लास बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या तो रनेबल इंटरफेस को यूज करना होगा या थ्रेड क्लास को यूज करना होगा। दे आर टू डिफरेंट वेज। तो इस अभी फंक्शन में हम लोग एक रनेबल इंटरफेस को यूज करके बनाते हैं थ्रेड क्लास, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एंड देन उसको हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग को सबको पता है कि एक रनेबल इंटरफेस क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है। और फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो उस फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग ईजिली लैम्डा एक्सप्रेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मेन मेथड सबसे पहले मैं बना देता हूँ अपने मेन क्लास के अंदर, और यहाँ पर एक मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ कोड टू रन इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ये मैंने एक दूसरा क्लास बना दिया। ये नॉर्मल वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है कि अगर आपके पास लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं हो तो कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो इसके लिए अब मैं लेट सपोज मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ 1 to 10। तो एरे को हटा के मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर लूप यूज़ किया है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 कब तक चलेगा, 10 तक, और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख देता हूँ, और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कोड टू रन थ्रेड क्लास आई इक्वल टू प्लस आई। तो ये तो आपका एक आपने बनाया थ्रेड क्लास। अब ये मेन क्लास बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मली क्या होता है, एक मेन थ्रेड होता है, और उसके जितने सारे आप थ्रेड बनाओगे बनते जाएगा। अब इस थ्रेड क्लास के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो रनेबल आर इक्वल टू न्यू कोड टू रन, ओके, ये मेरा रनेबल हो गया। अब इसको पास करना होगा थ्रेड के अंदर, थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर रनेबल का आप रेफरेंस पास कर सकते हो। एंड नाउ क्या करना होगा, आपके पास टी एक ऑब्जेक्ट आ गया, टी डॉट स्टार्ट, ये आपसे थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। और एक और फॉर लूप यूज कर लेते हैं जो कि आपका मेन थ्रेड रिस्पॉन्सिबल होगा। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो क्या है, सबसे पहले क्या होगा, ये मेन क्लास लोड होगा, इसके अंदर मेन मेथड आएगा। यहाँ पे ये देखिएगा कि कोड टू रन करके एक आपका ये क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल को, और रनेबल के अंदर रन मेथड जो आपने दिया है ये आपका थ्रेड है। थ्रेड यहाँ पे जाके इसने क्या किया, इसमें पास कर दिया थ्रेड क्लास के अंदर, थ्रेड डॉट स्टार्ट कर दिया आपने। और ये थ्रेड डॉट स्टार्ट एक डिफरेंट थ्रेड हो गया, और ये जो थ्रेड होगा ये जो है ये मेन क्लास इसका रिस्पॉन्सिबल होगा इस फॉर लूप को रन करने के लिए। तो बेसिकली दो थ्रेड यहाँ पे रन होंगे। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कोड टू रन की जगह मेन थ्रेड क्लास। अब इन दोनों का सीक्वेंस डजंट मैटर, ये डिपेंड करता है आपके JVM पे और आपके हार्डवेयर पे। तो अभी आप देखो तो ये रन हो रहा है, फिर से एक बार रन करते हैं। ये देखिए सबसे पहले मेन क्लास रन हुआ 1 to 9, फिर कोड टू रन हुआ, एक बार और रन करके देख सकते हैं। तो देखिए अभी क्या कोड टू रन हुआ कोड। सो ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके सिस्टम टू सिस्टम, ये कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे JVM को मिलेगा वैसे वो रिसोर्स एलोकेशन होगा एंड रन होगा। तो ये तो नॉर्मल वे से आपने क्या किया, थर्ड क्लास का इम्प्लीमेंटेशन किया। नाउ अब जावा 8 में करना है। तो जावा 8 में करने के लिए जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया था कि फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए, तो रनेबल इटसेल्फ ए फंक्शनल इंटरफेस। अगर रनेबल फंक्शनल इंटरफेस उसके अंदर क्या है, पब्लिक वाइड रन। तो इसका इसको इस पब्लिक वाइड रन को हमें क्या करना होगा, लैम्डा के थ्रू यूज करना होगा, और तो हमें ये क्लास की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी हम चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको कि जावा 8 में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले रनेबल इंटरफेस, सपोज दैट ये रनेबल इंटरफेस हमारा जो हो रहा है और इसके अंदर मेन मेथड है।
इसको जावा 8 में हम लोग ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन देंगे, तो इसको यहाँ कॉपी करके डाल देते हैं। और लेमडा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, फिर नेम ऑफ द फंक्शन, ये तीन चीज़ रिमूव करना होगा और यहाँ पे एक एरो साइन ऐड करना होगा। ये ऐड करते ही आपका ये लेमडा हो गया, और इसको स्टोर करना होगा जो कि इंटरफेस का नेम होगा। तो यहाँ पे रिनेबल आर इज इक्वल टू दिस, और लास्ट में यहाँ पे क्योंकि मल्टी लाइन है तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होगा। अब ये लाइन तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कोड की भी अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लेमडा में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब देख लीजिए कितना इजी हो गया, लेमडा में कोड कंसाइज हो गया, एक आपको एडिशनल क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ आप एक ही क्लास में बना लिए। और इसको रन करके देख लेते हैं, तो ये देखिए आपका इजीली रन हो गया। तो कितना इजी रहा, लेमडा के थ्रू आपको थ्रेडिंग में यूज कर सकते हो। तो थ्रेडिंग का एक आई मीन लेमडा एक्सप्रेशन का एक और एग्जांपल मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको कोई भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है, आप मेरे ये ब्लॉग है जो कि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ लिखना, एक उम्मीद की आशा .blogspot.com, यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम रहेंगे। आप वहाँ पे जाके इसको आप इजिली कॉपी पेस्ट करके अपना ट्राई कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।